We will continue the differentiation derivative today. We'll discuss the question based on law. एक बार फॉर्मूला गो थ्रू करो स्टार्ट जस्ट तो लॉग बेस्ड क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स में आता है. वही 2-3 प्रॉपर्टी याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं. एक तो log of mn, यहाँ पे बेस e की बात होगी, log m plus log n. If nothing is given, that means e is given. Exponent की तरह property, log m by n, log m minus log n. log of m to the power n and log n. किसी भी सेम बेस पे log ee और log aa दिस वैल्यू विल बी 1. और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे इक्वल टू 0. वो log 1 है. log 1 यस. ओके सर. नेक्स्ट log e टू द पावर log x सेम एज x, ये 1 हो जाएगा. दिस इज सेम एज x सर. log x पावर में, log x पावर में है. या इट्स लाइक दिस e टू द पावर log x ऐसे. थोड़ा इसको लिखिए पावर में ऐसे लिखिए. यस लुसियन. यस सर. क्या हुआ ये आवाज गूंज क्यों रही है सर? 2 आईडी से हो गया था ना लॉगिन. फॉर्मूला नोट कर लिया सर? कर रहा हूँ. या ले तो शायद लिख रखे हैं. हाँ लिख रखे हैं, एक बार और लिख लो क्योंकि आज इसी के बेस पे क्वेश्चन होगा मोस्टली. ये 4 मार्कर में आता है. ओके सर. और बार बार लिखने से फॉर्मूला याद भी हो जाता है, इसलिए बार बार लिखने की कोशिश करो. होमवर्क करते रहना और उस पर अपलोड करते रहना क्योंकि फिर उसका रिपोर्ट जाएगा वीकली. दूसरा मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा क्लास में, याद होना चाहिए. और नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा डिफरेंशियल का, डेरिवेटिव वाले चैप्टर का टेस्ट ऑफलाइन. हाँ अब टेस्ट ऑफलाइन ही होगी सर. ऑनलाइन नहीं दे सकते? नहीं नहीं दे सकते. क्यों? ऑनलाइन में क्यों है, क्या प्रॉब्लम? मैं घर पर नहीं हूँ ना. कितने दिन घर पे नहीं रहोगे सर? मैं वो 2 महीने से बाहर हूँ. हाँ तो वो तो अलग बात है, अगर किसी को मजबूरी है तो फिर वो ऑनलाइन दे सकता है.
सर दे सकता हूँ ना मतलब? हाँ टेस्ट तो देना है, जिसके पास कंपल्सन है वो दे सकता है, लेकिन ओके सर। ऑनेस्टली देना। ओके ओके सर। सर, सर ये लॉग एम के नीचे ई क्या लिख रहा था? ये बेस मैंने बाकी में नहीं लिखा है, बेसिकली सब में बेस ई है। यहाँ पे जो लॉग की बात करेंगे तो सब में ई बेस की बात करेंगे, और बेस अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मान लेना कि ई है। पावर एम एन है वो सबसे पहले वाले फॉर्मूला में। हाँ ई, इसको बोलते हैं एम बाई एन टू द बेस ई। ओके बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट में है एम और एन तो ऐड कर देंगे, डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे, और लॉग एम टू द पावर एन बेस अंडरस्टूड है कि ई है। ओके सर। जब भी फॉर्मूला लिखते हो ना लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ये ई बेस पे है। सर लॉग वन में भी लॉग ई टू द पावर वन होगा? नहीं, लॉग वन में तो कोई भी बेस दोगे, चाहे ए रहे ई रहे, कोई भी बेस पे लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में ये लिख लो ई टू द पावर लॉग एक्स इज सेम एज एक्स, तो ओके सर। हटा दो ये। अब देखो लॉग को यूज कहाँ करते हैं, यहाँ डिफरेंशियल में। तो वैसे तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, पर छोटे छोटे क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला है, लॉग की जरूरत नहीं है। तो स्पेशली इसको यूज करते हैं जिसमें कि और कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा हो, इस तरह का है फंक्शन के ऊपर पावर में दूसरा फंक्शन, ऐसे एफ एक्स के ऊपर जी एक्स। जैसे आ गया साइन एक्स एक फंक्शन, इसके ऊपर पावर एक्स, या एक्स एक फंक्शन, इसके ऊपर पावर साइन एक्स, या साइन एक्स एक फंक्शन, इसके ऊपर पावर लॉग है। इसमें और कोई फॉर्मूला सेट नहीं करेगा, यू कैन ओनली अप्लाई लॉग। कहीं भी लॉग का यूज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के लिए, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि सपोज करो 5 स्क्वायर है, यू कैन राइट इजीली 25, 5 क्यूब है ये भी लिख सकते हैं। चलो अगर 5 की पावर 10 है, इसको भी कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, लेकिन अगर 5 की पावर, अब यहाँ पे आ जाए से 5015, या 5 की पावर 0.05, अब ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई करने से पहले एक और फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि एक्सरसाइज में जैसे 2 क्वेश्चन दे रखा है उसको हम बिना लॉग का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको लॉग से ही करो। एक फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे ये सबने कर रखा है प्रोडक्ट रूल, u(v) में u(v') प्लस v(u') ये सबको पता है। अगर ये 3 फंक्शन हो u(v) w, 3 फंक्शन तक का फॉर्मूला अवेलेबल है, तो दो दो करके लो, uv और w' प्लस, अगर uw लिया तो v' प्लस, vw लिया तो u', एक एक करके करना है, बाकी दोनों को वैसे उतारना है। प्लस का टर्म है तो कोई भी हम पहले बाद में लिख सकते हैं, बस कंसेप्ट ये है कि एक को करना है, 2 को नहीं करना। तीसरा, जब लॉग में क्वेश्चन इस टाइप का है, सपोज करो ऐसे भी रखा है वाई की पावर एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग है, जब भी 2 टर्म के बीच में प्लस या माइनस हो तो हम पहले उसको एज्यूम कर लेंगे इनिशियली दैट
u इक्वल टू x की पावर साइन x, v इक्वल टू x की पावर log x, और पहले लिख दो y इक्वल टू u प्लस v, और फिर अलग अलग इसको का डिफरेंशिएशन dy by dx du by dx प्लस dv by dx अलग अलग निकाल के पुट कर दूंगा, दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन। अभी इसी का वे बता रहा हूँ प्लस या माइनस। सर सर ये यूवी डब्ल्यू वाले आते फॉर्मूले यूज में आते हैं? जहां तीन रहेगा अभी मैं यूज करूंगा उसका, अगर तीन वाला होगा तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके सर। ओके अभी एक क्वेश्चन दूंगा एक दो। सर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बताया आपने? लास्ट में अगर कोई दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन है तो इनिशियलाइज इनिशियली एक को यू ले लो एक को वी ले लो, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू यू प्लस वी, देन डिफरेंशिएट। सर ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? मतलब पहले x को डिफरेंशिएट करके, जब लॉग लेंगे ना तो डायरेक्ट वाले में नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली करना होगा। क्यों सर? क्या ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लॉग की प्रॉपर्टी में मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, अगर डायरेक्टली अप्लाई करने का ये मतलब हो गया you are writing y equal to u plus v, so log u equal log y equal to log u plus log v, ये लिखना होता ना। तो log का ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो बताया नहीं, ये तभी होगा जब यहाँ पे प्रोडक्ट साइन होगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले से तो होगा नहीं, दैट मीन वी हैव टू अप्लाई log, और जब भी बीच में प्लस माइनस हो तो log का प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं होगा। ओके सर ये नॉर्मल फॉर्मूले से क्यों नहीं होगा? बताओ क्या फॉर्मूला होता है? y इक्वल टू x की पावर साइन x, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो? तो सर पहले x को डिफरेंशिएट करो 1 आ जाएगा। अच्छा ओके सर, ये होगा ना, एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, लेकिन n मस्ट बी कांस्टेंट, कोई नंबर होना चाहिए। ओके सर ठीक है, और किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? एक स्टूडेंट है नहीं? अक्षत कोई डाउट भी है? नो सर। पिछली बार आंसर नहीं दे रहा था क्या? नेट का प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम था? यस सर। कहाँ से क्लास लेते हो, घर से या यहाँ सेंटर से? घर से लेता सर, कल सर पिछली बार सर थोड़ी तबीयत भी खराब थी। अच्छा होमवर्क हो रहा है ना, कर लिया पिछला होमवर्क? हाँ सर 5.4 तक कर लिया, वो अपलोड कर दूंगा आज। हाँ 5.6 भी करना है। ओके फिर होमवर्क हो रहा है? यस सर 5.4 अभी मेरे को करनी है स्टार्ट। हाँ तो वो करना है। रमा होमवर्क का क्या पोजीशन? यस सर ऑलमोस्ट हो ही गया। हाँ तो उसको सबमिट करना क्योंकि रिपोर्ट जाएगा, जिसका भी होमवर्क पेंडिंग है वो इस वीक में कंप्लीट करो। ओके अब मैं देखो, जैसे एक क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस, मुझे इसका इसको डिफरेंशिएट करना है, ये नहीं लिखा होगा कि किस मेथड से करो। अब इसको मैं तीन मेथड से कर सकता हूँ। एक मेथड तो ये है कि मैं u और v का प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, यहाँ पे लिखता है लिख सकते हैं dy by dx, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेथड वन u इंटू v डैश x प्लस टू और इसका डिफरेंशियल वन का तो जीरो प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू वन, दैट मीन्स एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री इट बिकम्स टू एक्स प्लस फाइव, दिस इज द आंसर, वन ऑफ द मेथड। क्लियर है? यस सर। ओके
अब सेकेंड मेथड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, मेथड टू, जो जिसको इजी लगे उस मेथड से कर देना। और हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व या फाइंड डिफरेंशिएशन यूजिंग ऑल थ्री मेथड। पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, सो इट बिकम्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। नाउ वी विल डिफरेंशिएट, सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, इसका यही आंसर है। साथ साथ करते जाना, जिसको डाउट है पूछ। सिंपल क्वेश्चन को तीनों, सारे क्वेश्चन तीनों मेथड से नहीं होंगे, क्योंकि जो सिर्फ लॉग से होना है वो दूसरे से नहीं होगा। अब मेथड थ्री, इसको मैं लॉग से बताता हूं करके। मेथड थ्री, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इट मीन्स ये एम एन के फॉर्म में है। तो अगर मैं इधर लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई विच इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग है, एक को एम एक को एन अगर लोगे जो का लॉग एम प्लस लॉग है। कोई इसमें डाउट सुशील? नो सर। आप प्रोडक्ट का टर्म है, प्लस लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ एनीथिंग वन अपॉन एक्स प्लस टू, चेन रूल लगाएंगे एक्स प्लस टू का, यहाँ पे तो वन हो जाएगा, कोई फर्क इतना ही रहेगा, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू वाई। सो दैट मीन्स वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, बट वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई इधर आके मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम ले लो, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, x प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस टू। y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में जिसको हमने लिया था, दैट इज x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ये सॉरी ये इंटू में है, एलसीएम लिया है, नहीं बीच में प्लस है, सॉरी प्लस है, तो ये ऐड कर दो, ये हो गया 2x प्लस 5 आंसर सबका सेम आएगा, यहाँ ये दोनों कैंसिल, इसका भी आंसर वही आया 2x प्लस 5 तीनों केस। तो लॉग से करने का फायदा क्या हुआ? छोटे क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए छोटे क्वेश्चन को तो करेंगे ही नहीं लॉग से। लॉग से वैसे क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये तो मैंने सिर्फ करके बताया कि ऐसे कर सकते हैं। ओके सर। अब देखो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, वी हैव टू ऑप्शन, या तो log से करो या जो मैंने अभी बताया u v w उससे कर दो। तो पहले मैं u v w से बता रहा हूँ, u v w जहां पे दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है वहां पे log लेने की जरूरत नहीं है, उसे कर सकते हैं। dy by dx कोई भी दो टर्म को वैसे लिखो,
अगर मैं पहला टर्म वैसे लिख लूं और दूसरा टर्म भी वैसे, अब तीसरे को डिफरेंशिएट करना है, cos 3x का डिफरेंशियल क्या होगा, इसको आता है जल्दी बताओ, माइनस साइन 3x माइनस 3 साइन 3x होगा, तो सेम ही तो हुआ, cos 3 आया, ओके, फिर प्लस, अब नेक्स्ट स्लाइड में cos x और cos 3x को एक साथ लिया, cos 2x का डिफरेंस है, तो माइनस 2 sin 2x प्लस cos 2x cos 3x या जी थी cos x का डिफरेंस है माइनस साइन, ये हो गया। अब थोड़ा एडजस्ट कर दो, माइनस को पहले, माइनस cos x cos 2x साइन थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स टू साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स साइन, कैंसिल तो होगा नहीं, कॉमन भी लिए यही आंसर है सर, ये प्लस की जगह माइनस नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, अब मैं वैसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें जो बिना लॉग का नहीं होगा, सेकंड क्वेश्चन में मुझे आइडिया देना, बट ऐसे लिखा है कैसे सॉल्व करेंगे बताना, वाई इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सेकंड रूट ऑफ x माइनस वन x माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव, बिना लॉग का कैसे करेंगे, देखो सबको आना चाहिए, रमा बिना लॉग का कैसे करेंगे, सर पहले रूट का लगाएंगे फॉर्मूला और फिर डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला भी लगेगा इसमें, हाँ u बाय v कर दो या रूट का फॉर्मूला लगाने के बाद, या पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे फिर यू बाई वी लगा देना, वैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको लॉग से करूंगा तो देखो मुझे क्या करना होगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये रूट का मीनिंग होता है वन बाई टू पावर, समझ आ रहा है, यस सर। अब इसमें m टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करो, सो दैट मींस log y इक्वल टू हाफ और अंदर इनटू का है तो उसको प्लस में कर दूंगा, तो हाफ एक ही लाइन में लिख देता हूं मैं, log x माइनस n प्लस log x माइनस टू, जो नीचे वाला है वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है, तो लॉग एक्स माइनस थ्री लॉग एक्स माइनस फोर और माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो, अब तो ये लॉग वाई इसका वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हाफ, अब बाकी तो हो ही जाएगा, y को शिफ्ट कर देना, और जरूरी नहीं है कि सब में एलसीएम लो क्योंकि काफी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो डिफरेंशिएट करके y को दूसरी साइड लाओ, y की वैल्यू पुट करो और छोड़ दो, एक क्वेश्चन पे कितना मेहनत करना है ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और क्या हमें ये बोला गया है कि प्रूव दिस इक्वल टू दिस, अगर ये नहीं बोला गया है तो हम उतना ही मेहनत करेंगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन, सर हाँ
आपने लॉग का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लिखा है? मैंने एम एन का फॉर्मूला लिखाया, तो हाफ देखो एम लॉग एन होता है ना, एम मीन्स 1/2 लॉग ऑफ ये पूरा। मैंने एक्चुअली में 2-3 लाइन को एक लाइन में कर दिया है, अलग अलग करूं क्या? तो सर बस वही फॉर्मूला पूछना था। फॉर्मूला हो गया हाफ लॉग दिस, और मुझे पता है एक बार फिर अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस हो जाता है, ओके यस सर, और डिवाइड है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएंगे ऊपर। ओके okay, सर सर ये 1/2 रेज टू द पावर नेक्स्ट लाइन में 1/2 कैसे आ गए? एम की पावर एन का फॉर्मूला बताया ना मैंने, अगर एम वाई इक्वल टू एम की पावर एन हो तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एन लॉग एम, इसको मैंने एम कहा, ओके सर एन कहा, एन ये एन है और ये पूरा का पूरा एम है, ओके सर। और किसी को कोई डाउट? ओके अब क्वेश्चन सर लिख रहा था, क्या करूं? लिख रहा हूँ। ओके प्रॉपर लिखो, समझ के लिखो, जिसको डाउट है पूछो, काम ऑनेस्टली करो। सर डाउट था मतलब 5.6 में था, नहीं वो तो बाद में, मतलब अभी जो करा रहा हूँ इसी में कोई डाउट है तो पूछो। ओह सॉरी, सर इसके आगे सॉल्व नहीं करना? तो इसके आगे थोड़ा करना है ना, ये वाई की वैल्यू भी तो डालनी है। मैंने वैल्यू यहाँ पे ये करा कहा, मैंने लॉग का 1/(x-1) प्लस 1/(x-2) माइनस 1/(x-3) अभी तो डिफरेंशिएट किया नहीं, अब कर रहा हूँ, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ओके अब मुझे क्या करना है, dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू, y इधर हाफ y इंटू होल ऑफ दिस और हाफ y, y की यहाँ वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या है जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ये रहा इसको डालो x-1, x-2 अपॉन x-3, x-4, x-5 इंटू दिस, इतना तो करना ही करना है। इसके आगे अपनी च्वाइस है, ये आगे एलसीएम लेके सॉल्व करो या इतना छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ये छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्कर का, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? यस सर। जी रूट क्यों नहीं आया, रूट आया ये? कहाँ पे रूट? 1/2 सबसे नीचे। अच्छा वाई रूट भी है ना, ओके यस, इसको हाफ कर दो, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ वाई की वैल्यू बिल्कुल आएगा, रूट आएगा, रूट लिखो या उसकी पावर हाफ। सर इतने में ही छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे सॉल्व? नहीं आगे बस यही कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे इसके बाद एडजस्ट करेंगे, तो एलसीएम लेके एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो 2 मार्कर इतने में मिल जाए। ओके नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई इक्वल टू log x की पावर cos x, इसको कैसे करो? नॉर्मल फॉर्मूले से तो होगा नहीं, क्या करेंगे? log लेंगे, टेकिंग log, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है y इक्वल टू m की पावर n, ये वाला फॉर्मूला, तो log y इक्वल टू n, n क्या है cos x, log log x ऐसे, क्योंकि m ये पूरा है, ओके जेसन
समझ आ रहा है? यस सर। अब क्या करूं? याद रखो ये एक फंक्शन है और लॉग लॉग एक्स ये दूसरा फंक्शन है, क्योंकि ओनली अगर मैं सिर्फ लॉग लिखता हूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना होगा। लॉग के साथ ये लॉग एक्स तब जाके एक पूरा फंक्शन बना, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन चेंज रूल लगना है। सर ये cos x के बाद log कैसे आया? क्या सर cos x के बाद log log x वाला बताएं? अगर y इक्वल टू m की पावर n है, यहाँ मैं log लूंगा तो क्या आएगा? log y इक्वल टू क्या लिखूं? cos x log x। नहीं नहीं पहले इसका बताओ, m की पावर n को क्या लिखूं? cos x। cos x की तो बात ही नहीं करना, अगर y इक्वल टू m की पावर n है तो इसमें log nm 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 नहीं n log m। अच्छा n log m। हाँ तो n क्या है cos x? ये log तो फॉर्मूले वाला है और ये m है। ओके यस सर। अक्षर अब बताओ इसका डिफरेंशियल log y का। सर एक सेकंड। अभी तो दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं log y का डिफरेंशियल। कहाँ ध्यान है क्लास? कहीं और ध्यान है क्या? सर ये log y का वीर log y का डिफरेंशियल वीर सर वन अपॉन y। वन अपॉन वाई तो ठीक है, इसके आगे भी कुछ नहीं सर। ये कॉस के आगे क्या लिखा हुआ है? मैं इस लॉग वाई का डिफरेंशिएशन पहले पूछ रहा हूँ, कॉस के आगे तो लिखा है लॉग लॉग है। रमा लॉग वाई का डिफरेंशियल? एक सेकंड। कुछ भी बता दो जिसको समझ आ गया। वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई बाई डी एक्स। पहले तो लॉग एक्स वाला फॉर्मूला, फिर जब भी वाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। अब आगे बताओ जेसन, यू इंटू वी अगर मैं करता हूँ तो कॉस एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सर लॉग अलग करके करेंगे फिर लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स, इस पूरे को पहले एक्स एज्यूम कर लो, वन बाय लॉग एक्स यस सर इनटू लॉग एक्स का सर वन बाय एक्स। वन बाय एक्स यस इनटू पहले लॉग एक्स को मैंने एक्स लिया, वन बाय लॉग एक्स इनटू वन बाय एक्स। क्लास में अटेंटिव रहो तभी समझ आएगा। प्लस log log x इंटू cos x का माइनस साइन, दैट मीन्स cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log log x। अब y को इधर शिफ्ट करना है, dy by dx y into cos x upon x log x minus sin x into log log x। अब y की वैल्यू पुट कर दो और पुट करके छोड़ दो, y की वैल्यू था log x पे cos x पावर। तो रीजॉइन करना होगा। हाँ ठीक है ये रीजॉइन करो।